is example 3 from UNCRT, page number 214, 212. We have a given a circle whose center is O. Radius is given OP is equal to 5 cm and we have given chord. Chord is PQ is equal to 8 cm. हमने इसका bisector कर लिया, यहाँ पे pepper drawn करके ये आपका 4 हो गया है. अगर आप triangle POR में जाएंगे तो ये 4 ये 5 ये आपका 3 निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है. अच्छा देखिए ट्रायंगल पी टी ओ और ट्रायंगल पी आर ओ में देखिए आप यहाँ पे एंगल पी 90 डिग्री, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर लिए हैं. एंगल आर इक्वल टू आल्सो 90 डिग्री. एंगल ओ एंड एंगल ओ बोथ आर कॉमन बिकॉज दे आर इन एक ही जगह है. एंड बाई थर्ड एंगल से एंगल टी इक्वल टू एंगल पी, तो ये हमारे सिमिलर हो गए हैं. तो हम ट्रायंगल पी ओ टी और ट्रायंगल आर ओ पी इस तरीके से ले लेंगे. इसके बाद सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगा देंगे, पी ओ अपॉन आर ओ, ओ टी अपॉन ओ पी एंड पी टी अपॉन आर पी ने लिया. हमको यहाँ से पी ओ और आर ओ पता है, आर ओ 3 सेंटीमीटर है, पी ओ वाला कितना है 5 सेंटीमीटर. हमें पी टी चाहिए तो ये वाला स्टेप छोड़ देंगे हम लोग, पी टी अपॉन आर पी ले लेंगे यहाँ से, ठीक है. तो पी टी अपॉन अपॉन 4 एंड 5 अपॉन आर ओ हो गया. पी ओ की और आर पी की वैल्यू पुट कर दिया, आर ओ वैल्यू 3 कैलकुलेट किया हमने, वहाँ पे रख दिया है, क्रॉस अप्लाई कर लेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पी टी इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर. लाइक करें हमारे वीडियो को एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को और बेल आइकन.